और यहाँ पे इस साइड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ये नई ज़मीन तैयार की गई है, ये अभी नए पौधे लगे हैं इसमें, कम से कम 600 पौधे लगे हैं जो भी इटली से आए हैं, और इन्हीं पेड़ों से हम भी कल मैं ले जा रहे हैं। ये वाली कौन से लगाए हैं? डेविल वाला जी। डेविल वाला, अच्छा डेविल वाला। ये लैंडस्केपिंग इस तरह से की, पहले ये स्मॉल स्मॉल टेरेसेस थे ना, इनको एक ही जेंटल स्लोप में बना के लाया ताकि एक ही ऐसा इसकी यूनिफॉर्मिटी आ सके। नहीं ठीक ही है ये, देखो रिसेंटली ट्रीज लिया, देखो ऑलमोस्ट कलर यही वाला है ना। अच्छा पानी फिर आप जैसे अभी अब देंगे थोड़ा बाहर ठहर के, अभी तो है इसमें मॉइस्चर। हां इसमें तो मॉइस्चर है अभी, जो है अभी पहले ना जैसे फिर देंगे आप इसको थोड़ा गैप दे इसमें एयर पॉकेट्स अभी ना, जब तक सेटल नहीं हुई सॉइल तब तक हम इसी से देंगे। अच्छा जब थोड़ी सेटल हो जाएगी तो फिर इसमें फिर ड्रिप लगा देंगे। ड्रिप सिस्टम होगा ठीक है। रूट सिस्टम बहुत छोटा रूट सिस्टम होता है, मेरे ख्याल से हम अगर उसका राइजेस फिर देखें तो 3x3 फीट में ही कन्फाइंड रहता है। तो अगर आपकी अगर कहीं ऐसी सॉइल भी या रॉकी सॉइल है या काफ़ी ज़्यादा चट्टान है तो उसमें यानी हो किसी तरीके से आप 3x3 की ट्रेंच क्लियर। और यहाँ पे देखिए मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको बार बार आप लोगों को दिखाती रहूँ, और मैं खुद भी बार बार देख रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। ये इस तरह की जो ट्रेंचिंग की है बहुत ही सुंदर लग रही है। ये हमारी वापसी हो रही है यहाँ से इसके, तो स्प्रिंकलर आ गया जहाँ पे हम आए थे। यहाँ पे गांव का नाम बनाहर है और ये विशाल बेगुना है, ये 10-12 साल से इस पे काम कर रहे हैं रूट पे M9711। जबकि इन लोगों ने यहाँ पे उस पे भी लगाया, सीडलिंग पे भी मतलब लगाए हैं, क्या बोलते हैं काला वैरायटी उन्होंने सीडलिंग पे भी तैयार किया है, जो काफ़ी अच्छे पौधे हैं और रूट पे तो खैर है ही है। और इनसे पता चला कि ये कम से कम 12 साल से काम कर रहे हैं इस पे, तो जब हम बगीचे में गए तो देखते ही रह गए, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी है। अभी कम से कम 35 साल उम्र होगी इस बच्चे की, पूछा तो नहीं है पर मेरा आइडिया है मतलब। चलो हम भी अब तैयार करेंगे, देखते हैं हमसे हो पाएगा कि नहीं। वैसे तो करके पता चलेगा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ऐसे दिखा रही हूँ यहाँ पे देखो स्प्रिंकलर लगे हैं, ये इतने ऊंचे लगे हैं कि ऊपर से मतलब वो कर रहा है फ्लो इस बगीचे पे, ये काफ़ी ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है ये स्प्रिंकलर। और ये है मकान विक्टा जी का, और ये साथ में ही है किसी का, और यहाँ पे बगीचा जिसमें चूना लग रहा है। बनाहर गांव का नाम है। यहाँ पे स्टेशन है हुरली, जो छेला से 4-5 किलोमीटर आगे और वहाँ से थोड़ा सा 1 किलोमीटर ऊपर को है विक्टा जी का घर, जहाँ से हम कल में लेके आए हैं, क्योंकि इनसे काफ़ी पहले का कांटेक्ट हुआ था। फिर जैसे पिछले कल हमारे वो रूट आ गए हैं तो हमने सोचा चलो नारकंडा तक तो आना ही है और कल मैं भी लेके आते हैं। और ये हम यहाँ पे मतियाना पहुँच चुके हैं और हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे अपना ढाबा, क्योंकि हमें लगी है बहुत तेज़ भूख। और ये रहा हमारा रेस्टोरेंट बोलो चाहे ढाबा बोलो, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब पहले लंच कर देते हैं उसके बाद फिर चलते हैं आगे की ओर। ये हम उतर चुके हैं, मैं थोड़ा टहल रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ अपने रेस्टोरेंट की तरफ, क्योंकि ये यहाँ का मशहूर ढाबा है खाडू। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा मशहूर तो सिड्डू और घी, राजमा चावल कढ़ी, मैं तो हमेशा यही चीज़ें देखी है यहाँ पे ज़्यादा बनते हुए। बाकी देखते हैं आज क्या।
क्या बनाए यहाँ पे देखिए, वही है आज असीडूनी है, राजमा चावल और कड़ी चावल है, और हमने फिर एक एक चपातियाँ भी बनाने दी। और इस तरह से हम यहाँ पे कर रहे हैं लंच। जैसे कि आपने देखा, हमने दोनों चीज़ें ली, राजमा भी और कड़ी भी, और हमारा अब लंच हो चुका है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ अंदर से। लंच हो चुका है, अब हम चल पड़े हैं। ये हम पहुँच चुके हैं घर पे जी। डेंसिटी को देख के, ये मैं कलमे लाई हूँ, ये स्पेशल कलमे हैं। वो पता तब चलेगा जब इसमें सेब लगेंगे। अभी क्या बताऊँ मैं, अभी बोल के रखूँ ऐसा है वैसा है फलाना है ढिमका है वो नहीं बोलूँगी, पर लाई हूँ मैं, और 3 साल बाद पता चलेगा, 3 की 5 साल बाद पता नहीं, ऐसे ही चलेगा वह पता पर चल जाएगा। बहुत कुछ गई थी कि रास्ते में ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, यूट्यूब के लिए कुछ डांस करूँगी जहाँ बर्फ़ होगी या अच्छी सी लोकेशन होगी वहाँ पे कुछ बनाऊँगी रील रूल, बट मेरी ना हिम्मत ही नहीं हुई मेहता जी के पास बोलने की, क्योंकि उनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर मैं ऐसे ही आ गई, फिर क्या करूँ, कोई मेरी वीडियो ही नहीं बनाता, तो फिर मुझे अब यहाँ जाके कुछ करना पड़ेगा, यहीं पे अब घर पे करती हूँ कुछ, क्योंकि आज तैयार हुई हूँ अच्छे से। अच्छे से क्या, इतना ही होती हूँ मैं तैयार, इससे ज़्यादा कब होती हूँ। कौन से मेरे पास मेकअप किट है, मैं गाड़ी से सामान लेने आई हूँ फिर से, मुझे ही ढोना पड़ता है सारा सामान, क्या करूँ मैं मेहता जी को कष्ट नहीं देना चाहती ज़्यादा, फिर उनको गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो ड्राइविंग करके थके हैं।